हेलो दोस्तों, नमस्कार। खुशबू ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। शाम के टाइम ज्यादातर हम औरतों के और हाउसवाइफ को यही टेंशन रहता है कि डिनर में क्या बनाए यही सोचते रहते हैं। तो वैसे तो सब्जियां हमारे पास सारी अवेलेबल है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कुछ नए तरीके से आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए। तो इस तरह की सब्जियां ज्यादातर आप लोग भंडारे या शादी वगैरह में खाए होंगे। तो चलिए आज हम आपको एकदम टेस्टी नए तरीके से सब्जी बना के दिखाती हूँ। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि देखने के चक्कर में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस तरह हम चलते हैं अब बनाने। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी तेजपत्ते। तेजपत्ते भी लाल हो जाएंगे तो साथ में मैं एक चुटकी हींग डाल दूंगी। और एक चुटकी हींग डालने के बाद उसमें मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा थोड़ा सा चिटकने लगेगा तो अब उसमें मैं ये सौंफ डाल दी हूँ। सौंफ को भी अच्छे से मिला लेती हूँ और इसमें ये खड़ा धनिया भी डाल दूंगी। ये सब सारी चीजें स्किप मत करना, इससे ही टेस्टी सब्जी बनेगी। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह मिला लेती हूँ। जो साबुत मिर्च ली हूँ मैं उसको टुकड़े में करके वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसके बाद मैं एक अदरक का टुकड़ा जो कद्दूकस से कस कर ली हूँ वो भी साथ में डाल के अच्छे से इसको मैं भून लूंगी। सूखे मसाले हैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब मैं उसको भी इसमें अच्छे से भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमने स्लो रखा है और इसे ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पक चुका है। तेल हमारा ऊपर आने लगा है मसाले के। अब मैं इसमें दो कद्दूकस किया हुआ टमाटर वो भी साथ में इसको मैं डाल देती हूँ और अच्छे से इसको मैं भून लूंगी। और मैं मिर्ची को पीस कर उसका पेस्ट बना लेती, क्योंकि मिर्ची खड़ी रहेगी तो मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, इसके लिए मैं उसको पीस के पेस्ट बना के डाल दी हूँ। इस तरह हो गया है, आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें कसूरी मेथी है जो मैं उसको क्रश करके डाली हूँ और उसको भी मिला ली हूँ। और एक खड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ इसमें मैं डाल देती हूँ और उसको भी अच्छी तरह से इसमें मिला देती हूँ ताकि ये गल जाए मसाले के साथ में। और ये देखिए टमाटर भी हमारा अब इसमें अच्छे से गल गया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जो है कि मसाला वो चिपके ना, कढ़ाई में पकड़े ना। ये इस तरह से पानी हमने गर्म करके रखा था, गर्म पानी डाली हूँ। अब हमारा मसाला पकेगा। 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये देख लीजिए अब ये मसाला पक के तैयार हो गया है एकदम। अब इसमें मैं ये 4 आलू ली हूँ उबले हुए मीडियम साइज को। मैं इसको हाथों से मैश करके इस तरह डालूंगी ताकि ये ज्यादा पानी ना हो इसमें। और इस तरह डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। ये देखिए इस तरह मिलाने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। पानी आप अपने अनुसार डालिएगा कि जितने पास आपके सदस्य हैं खाने के लिए उस हिसाब से पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और पानी इसमें गर्म ही डालिएगा। इस तरह ये हो गया है, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी गर्म। अदर तो पहले ही डाली थी और 1 गिलास अभी। अब स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल दूंगी इसमें, थोड़ा सा और। इस तरह करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला के अब मैं इसको ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट होने जा रहा है और अब इसको मैं उठा के देखूंगी कि सब्जी हमारी पक गई है कि नहीं। आप इसको देख सकते हैं सब्जी एकदम पक के तैयार हो गई है ना, ये एकदम भंडारे जैसी। दोस्तों तो मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये देख इस तरह अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ऐसे। तो देखिए है ना एकदम लाजवाब टेस्टी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।